दूँ, अभी NIT घाट का मैं ब्लॉग शूट कर रहा था यहाँ, तो अभी यहाँ एक भाई भी आए हैं मिलने के लिए। ये जो है मुझे इंस्टाग्राम से कॉन्टेक्ट किए थे, उसके बाद व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट हुआ था। आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। जैसा कि आप लोग बार बार करते थे कि भाई एक बार पटना NIT घाट का संडे का ब्लॉग बनाओ, तो गाइज आज संडे है और मैं जा रहा हूँ NIT घाट। अभी शाम के जो है पहले 6 बज रहे हैं, तो चलिए जाएंगे NIT घाट, और मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स भी हैं, और चलिए आज दिखाऊंगा क्या नज़ारा है NIT घाट का। तो इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन करते प्रेस ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस चलिए और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो है NIT घाट के रास्ते में हूँ, और थोड़ा ही दूर बचा है NIT घाट पहुँचने में। जैसा कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था NIT घाट का, तो उसमें भी बहुत सारा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने दिए, तो आज ये सेकेंड ब्लॉग है NIT घाट का। तो मैं चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ आज का नज़ारा क्या है। जैसा कि आप लोग को पता है उस टाइम मैंने दिखाया था, उस टाइम भी लॉकडाउन था और पूरा खाली खाली था NIT घाट, पूरा पटना ही खाली था। अभी NIT पहुँच ही गया हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं पीछे मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले हैं, तो वो लोग बात कर रहे हैं आपस में, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़ारा है। जैसा कि मैं आपको यहाँ का बैक कैमरे से नज़ारा दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस। जैसा कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ का ब्लॉग बनाया था NIT घाट का, लॉकडाउन का टाइम था, तो पूरा खाली खाली लग रहा था, बट अभी गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसा कि आप लोग डिमांड किए थे भाई एक बार पटना NIT घाट का ब्लॉग बनाओ, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइज, और मैं क्या ही बताऊँ, ये बहुत ही कम है। अभी आप लोग को जैसा कि पता है 11 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया था, फिर 18 तक बढ़ा दिया, तो इसी कारण कुछ आपको कम दिख रहे होंगे। अदर डे में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ रहता है, और यहाँ आरती भी होती है। शायद से पता नहीं आज आरती होगा कि नहीं, तो देखते हैं, वेट करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है पटना NIT घाट पटना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइज, मैं बता नहीं सकता हूँ, और यहाँ का नज़ारा जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो आप लोग यहाँ आके कभी भी घूम सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। मैं नेक्स्ट ट्रिप सोचा हूँ कि राजगीर के लिए, जहाँ की अभी शीशा का एक ब्रिज बना है और काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप लोगों को वो ब्लॉग देखना है वहाँ का राजगीर का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ का ब्लॉग आप लोग को ज़रूर लाऊँगा, और नेक्स्ट ट्रिप मेरा वहाँ का ही है। आप लोगों को एक और अपडेट बता दूं, जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट करते हैं, हर एक वीडियो में एक कमेंट तो देखने को मिलता ही है कि भाई खान सर का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, खान सर का क्लास क्यों बंद है। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को पता ही है 11 अप्रैल तक सब कुछ बंद था, कोचिंग कॉलेज सारा चीज़ बंद था, और उसको अब बढ़ा के जो है 18 अप्रैल तक कर दिया है। तो ऐसे में आगे क्या होता है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट बहुत जल्द ही आप लोग को ये भी अपडेट मिल जाएगा कि क्यों नहीं खान सर अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारा वीडियो मिल जाएगा आप लोग को खान सर के ऑफिस में। तो बोला था कि 11 अप्रैल से जहाँ नहीं खुला लॉकडाउन, तो एप्लीकेशन पे ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और सर ने आजकल में एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें कि ये चीज़ बोला है कि अब हर एक बच्चे को जो है, आज मैं बता दूँ अभी NIT घाट का मैं ब्लॉग शूट कर रहा था यहाँ, तो अभी यहाँ एक भाई भी आए हैं मिलने के लिए। ये जो है मुझे इंस्टाग्राम से कॉन्टेक्ट किए थे, उसके बाद व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट हुआ था। आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था? मेरा जो YouTube चैनल था वो मोनेटाइज होने वाला था, हाँ। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो हाँ। मतलब क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग में जा रहा था, मोनेटाइज हो ही नहीं रहा था, हाँ। तो उसके बाद मैंने भाई से कांटेक्ट किया, हाँ। इनके इंस्टाग्राम पे DM किया था, तो इनका ये अपना नंबर दिया, तो इनसे बात किया था, हाँ, आप लोग को बोलते हैं ना जिसे भी मेरे से हेल्प चाहिए या कॉन्टेक्ट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइए। तो भाई इंस्टाग्राम पे आए तो मेरे से बात किए व्हाट्सएप पर, और जो जो भी प्रॉब्लम हो रहा था तो ये मेरे साथ शेयर करता था, हम बताते जा रहे थे वैसे वैसे किया। तो अभी कैसा चल रहा है? तो भाई ने मुझे बताया, तो मैंने PC में लॉगिन किया था जैसा कि भाई ने बताया था, हाँ। तो उस तरह से मेरा मोनेटाइज हो गया, तो भाई को इसके लिए शुक्रिया। चलिए आप लोग चेक कर सकते हैं, क्या है चैनल का नाम? शिवा ब्लॉग पटना। शिवा ब्लॉग पटना आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं आप लोग। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तो हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे, आज जो है आरती नहीं होगी,
तो मेरे फ्रेंड्स जो है वो आगे निकल गए हैं, तो मैं भी अब यहाँ से निकलूँगा। आप देख सकते हैं अंधेरा शाम का टाइम है, किस तरह का नज़ारा है। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे। हाँ, जो भी स्टूडेंट पटना में रहते हैं वो शाम के टाइम में अगर वो रूम में बैठा हुआ है, उसको मन नहीं लग रहा है, तो शाम के टाइम में NIT ज़रूर आएगा घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा फील होता है। और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है, फ़ोटो खिंचाएगा रे। हम लोग आए हैं NIT घाट, ब्लॉग तो बन गया है और अभी सोच रहे हैं फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। फ़ोटो खींचेगा अभी खिंचन मेरा। तो अभी सोच रहे हैं फ़ोटो एक आध दो हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक फ़ोटो ही फ़ोटो और ये ब्लॉग इसी माध्यम से पुराने याद जो है ताज़ा होता है। जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया गाइज। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल करें प्रॉपर सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।